हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन के बारे में। अक्सर हम कोई बंदे को अगर फ़ोन देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ वही चीज़ यूज़ करे जो हम उसको ओपन करके दिए हैं। तो आप स्क्रीन पिनिंग की मदद से आप आराम से बेफिक्र होकर किसी को भी फ़ोन दे सकते हैं। आप किसी बंदे को वेदर का ऑप्शन ऑन करके देते हैं, साथ ही साथ उसको स्क्रीन पिनिंग की मदद से आप उसको पिन कर देते हैं वेदर ऑप्शन को, तो वो बंदा सामने वाला जिसको भी आप फ़ोन दिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वेदर के अलावा आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं ओपन कर सकता है। जी हाँ, कुछ भी ओपन नहीं कर सकता है। वो चाहे कोई भी बटन प्रेस करे फिर भी सिर्फ और सिर्फ वो वेदर के अलावा कुछ नहीं देख सकता है। तो चलिए आज देखेंगे कि कैसे हम कोई भी ऐप ओपन करके उसको पिन कर देते हैं। और सिर्फ आप अगर सपोज़ कि आप उसको अगर लॉक करके अनलॉक भी करते हैं फिर भी उसको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देगा, वही ऐप यूज़ कर सकता है जो आप उसको ओपन करके दिए। इसके अलावा वो आपके फ़ोन में कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, देखते हैं कि कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से आराम से हम बेफिक्र होकर किसी को फ़ोन दे सकते हैं और वो बंदा सिर्फ वही यूज़ करेगा जो हम चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो हर एक फ़ोन में अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन रहता है। तो आपको जहां भी आपके फ़ोन में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिले वहां पे ही आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मेरा ओप्पो का फ़ोन है तो यहां पे एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहां पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दोनों ऑन है। आपका अगर ऑन नहीं होगा तो आप ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करके आपको फिर से ऑन करके बताते हैं। तो जैसे कि हम दोनों को ऑफ़ कर दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पिनिंग का ही ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन को ऑन करेंगे, उसके बाद ये लॉक डिवाइस आफ्टर अनपिनिंग का भी ऑप्शन ऑन कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद तो कैसे हम यूज़ करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम वेदर ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। तो वेदर ऑप्शन ऑन कर लिए, अब इसको बैक कर देते हैं। अब हम मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि सामने वाले बंदे को सिर्फ और सिर्फ मेरे फ़ोन में वेदर का ही ऑप्शन शो हो, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पिन का ऑप्शन है, इस इनेबल करने के लिए इस पर टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा, आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी शो होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज़ प्रेस एंड होल्ड द मल्टी टास्क शॉर्टकट की, मतलब कि मेरे फ़ोन में प्रेस एंड होल्ड करना है ये बटन को जिससे कि मल्टी टास्किंग कर सकते हैं उस बटन को। तो सबसे पहले हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये ऑन हो गया, अब हम किसी बंदे को आराम से फ़ोन दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम ये बैक बटन क्लिक करते हैं, देख सकते हैं अब नहीं हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, कोई भी बंदा बैक बटन क्लिक करता है, बीच वाले बटन क्लिक करते हैं, देख सकते हैं बीच वाले बटन क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, ये बटन भी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, और कोई भी वो बटन दाबेगा यहाँ तक कि अगर हम स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ भी दाबने पर काम कर ही नहीं रहा है। तो फिर से इसको ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, क्लिक किए, होल्ड किए तो डायरेक्ट आपका लॉक स्क्रीन पे ही जाएगा। तो आप यहाँ से पासवर्ड देके ओपन कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर लिए हैं, अब सामने वाले बंदे को हम चाहते हैं कि अपना फ़ोन दे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फ़ोन में कैलेंडर ही देखे। तो सबसे पहले बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब बैकग्राउंड में तो रन करते रहता है कोई भी ऐप, जाएंगे इसको पिन कर देंगे, बस हो गया, ओके कर देंगे, हो गया। अब आराम से हम किसी भी बंदे को अपना फ़ोन दे सकते हैं, वो सिर्फ कुछ भी अगर दावेगा फिर भी आप वो ये ऐप यूज़ कर सकता है। जैसे कि कैलेंडर है तो बस ये यही यूज़ कर सकता है कोई भी बंदा जिसको भी हम फ़ोन देंगे। उसके बाद कुछ भी करे ऑन ही नहीं होगा, हटेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करेगा।
फिर से इसको हम हटाना है तो मल्टीटास्किंग बटन को इसमें क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ दूसरा ऑप्शन हो, मल्टीटास्किंग नहीं होगे, कुछ दूसरा बटन हो, जैसे कि कोई दूसरा बटन प्रेस एंड होल्ड करना हो, तो ये अलग हो सकता है, लेकिन ओप्पो के फ़ोन में ये है। तो इसके बारे में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अब फिर हमको ओपन करना है, ओपन कर लिए तो फिर अब नॉर्मल यूज होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप अब किसी को भी फ़ोन देने में, कोई फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को अगर आप फ़ोन देते हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ फ़ोन देंगे तो वो क्या देख लेगा, नहीं देख लेगा। आराम से आप उसको पिन करके दे सकते हैं और वो बंदा सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।